गरीब बाइक चालकों को 26 जनवरी से मिलेगा पेट्रोल। दुमका में ध्वजारोहण कर हेमंत सोरेन करेंगे योजना की शुरुआत। योजना को संचालित करने के लिए 19 जनवरी को रांची में लॉन्च होगा ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे करने पर 29 दिसंबर 2021 को गरीबों को सस्ते दर पर पेट्रोल देने की घोषणा कर देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में ध्वजारोपण करेंगे। इस दौरान वे गरीब बाइक चालकों पर 25 रुपए सस्ती दर पर पेट्रोल देने की योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इसकी तैयारी दुमका जिला प्रशासन की तरफ से जोर शोर से की जा रही है। 19 जनवरी को रांची में लॉन्च होगा ऐप। झारखंड के वैसे लाभुक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं झारखंड राज्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारक हैं, उन्हें 26 जनवरी से पेट्रोल की वर्तमान कीमत पर 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 19 जनवरी को इस योजना को संचालित करने के लिए संबंधित ऐप की लॉन्चिंग रांची से की जाएगी। दुमका जिला प्रशासन की ओर से 26 जनवरी को अधिक से अधिक लाभुकों को इस योजना से जोड़ने की पहल तेज कर दी गई है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग और जिला परिवहन विभाग को तय प्रावधानों के अनुरूप तैयारी करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त के स्तर से इस मामले में 19 जनवरी को दोबारा समीक्षा की जाएगी और इस ऐप के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कई माध्यमों से गुजरने के बाद अनुमोदित होगा आवेदन। मोबाइल ऐप के जरिए किए गए आवेदन का सत्यापन सबसे पहले जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन से किया जाएगा। DTO वाहन की संख्या के आधार पर लाभुक का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद यह जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। यहां से सत्यापन के बाद यह अनुमोदन के लिए उपायुक्त के लॉगिन में चला जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद लाभुक के खाते में 250 रुपए जमा होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया में उपायुक्त की स्वीकृति के उपरांत जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से विपत्र कोषागार में भेजा जाएगा। कोषागार विपत्र पारित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम खाता में संपूर्ण राशि हस्तांतरित की जाएगी। फिर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से PFMS लॉगिन से लाभुकों को DBT के माध्यम से लाभुक के आधार सीडेड बैंक खाता में राशि हस्तांतरित की जाएगी। आवेदक के आधार से बैंक खाता सीडेड नहीं है तो राशन कार्ड सीडेड बैंक खाता में राशि हस्तांतरित की जाएगी। यह है योजना के लाभुकों के लिए तय प्रावधान। लाभुक राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभुक हो, राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित हो, आवेदन के आधार से लिंक बैंक खाता और मोबाइल संख्या अद्यतन हो, आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए, वाहन का निबंधन झारखंड में होना चाहिए, आवेदक को योजना के लाभ के लिए मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन करना होगा, आवेदक के आधार सीडेड मोबाइल पर OTP जाएगी। OTP सत्यापन के बाद आवेदक को राशन कार्ड में नाम चयन कर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा। अभी की खबरों में बस इतना ही। आजाद सिपाही से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।